हेलो, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द फातिमास किचन। माजरत चाहती हूँ, बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी, लेकिन आज मैं आई हूँ आप लोगों के साथ में एक रेसिपी शेयर करने, जो कि है मटन शोरबा। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मटन शोरबा यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ प्रेशर कुकर में, आप चाहे तो हांडी में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में मैं 3 बड़े चम्मच तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। जो भी तेल आप खाते हो वो तेल इस्तेमाल कीजिए। इसमें मैं डाल दूँगी 5 से 6 लौंग, और ये है हरी इलायची, इसे मैंने हल्का हल्का सा क्रश कर ली हूँ। ये भी 5 या 6 की क्वांटिटी में मैंने ली हूँ। और यहाँ पर ले रही हूँ 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च, और साथ में मैं इसमें ले लूँगी 3 तेज़पत्ते। 3 तेज़पत्ते ले रही हूँ मैं, मीडियम साइज़ के हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं। फिर इन सबको मैं 10 सेकंड तक के लिए फ्राई कर लूँगी। तो जैसे ये सब फ्राई हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसमें मटन डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने 750 ग्राम मटन इस्तेमाल कर रही हूँ, और मटन हम जब डालेंगे तो हमारा जो फ्लेम होगा एकदम लो फ्लेम करके ही आप इसमें मटन डालिए, वरना जो तेल है वो चटक के आपके ऊपर आ सकता है। और साथ में मैं इसमें नमक भी डाल दे रही हूँ, जितना आप नमक खाते हो उतना नमक डाल दीजिए। और फिर इन सबको अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर देती हूँ। मटन को हमें कम से कम 1 या 2 मिनट तक के लिए अच्छी तरीके से फ्राई करना है। अभी तो देखिए, जो मटन है अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है और कलर भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे मैं 1.5 बड़ी चम्मच इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देती हूँ, और फिर इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए। लहसुन अदरक की पेस्ट डालने के बाद भी हम इसे 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरीके से भूनते जाएंगे मीडियम फ्लेम में। तो अब ये अच्छी तरीके से भुना चुका है, तो यहाँ पर अब मैं इसमें डाल दूँगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ स्क्रीन में दिखाना भूल चुकी थी, इसलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। आप इसमें 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालिए, तो जितना तीखा पसंद करते हो उतना डालिए। 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने हल्दी पाउडर डाली हूँ। 1.5 बड़े चम्मच यहाँ पे मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और साथ में मैं इसमें डाल दे रही हूँ भुना ज़ीरा पाउडर, ये भी 1 चम्मच है, 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ मैं। अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करके इन्हें भी मैं भून लूँगी 2 से 3 मिनट तक के लिए। लो फ्लेम में भूनिए, क्योंकि जो हमारे मसाले हैं वो जल ना जाए, सूखे मसाले बहुत जल्दी जल जाते हैं, इसलिए लो फ्लेम में ही आप इसे भूनिए। तो ये अब अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 बड़ा चम्मच। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से बहुत ही खूबसूरत रंग निकल के आता है। और इसके साथ में मैं 1/2 छोटा चम्मच इसमें डालूँगी सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर मतलब कि दालचीनी को मैंने क्रश कर ली हूँ, उसे पीस ली हूँ और उसका पाउडर इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगेगा आपको इसका। और इसके साथ में 2 मिनट तक के लिए मैं इसे बिल्कुल लो फ्लेम में भूनूंगी, ताकि जो हमारे सूखे मसाले हैं वो बिल्कुल लगे भी ना। तो यहाँ देखिए, जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं कहूँगी अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो यहाँ देखिए, जो हमारा मटन में मसाले हैं वो अच्छी तरीके से भुना चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी फ्राइड अनियंस। 3 प्याज को मैंने स्लाइस में पहले कट कर ली, फिर उसे फ्राई कर ली जब तक कि वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। जैसे ही वो गोल्डन ब्राउन हुई तो मैंने उसे निकाल ली, और उसे ठंडा होने के बाद में मैंने उसे हाथों से क्रश कर ली हूँ और उसे इसमें शामिल कर दी हूँ। अब इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर दे रही हूँ। 1 से 2 मिनट तक के लिए मैं इसे भी अच्छी तरीके से भूनती रहूँगी। नाज़रीन, मैं कहना चाहती हूँ अगर आपको मेरी रेसिपी में कुछ भी गलतियाँ नज़र आती है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए कि मैंने कहाँ पे कौन सी गलतियाँ की है, ताकि मैं उसे सुधार सकूँ और अपना प्रेजेंटेशन और अच्छे से आप लोग को दे पाऊँ। तो यहाँ देखिए, जो हमारे मसाले हैं अच्छी तरीके से भुना गए हैं। तो यहाँ पे मैं 1.5 गिलास इसमें गर्म पानी डाल रही हूँ। कभी भी मटन या चिकन आप बनाते हैं तो उसमें ठंडा पानी मत डालिए, उसमें आप गर्म पानी ही डालिए, क्योंकि टेम्परेचर वापस से लो हो जाता है, फिर हमें उसे कुक करना पड़ता है। इसलिए मैं हमेशा गर्म पानी ही शामिल करना पसंद करती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने डेढ़ बड़े गिलास से गर्म पानी इसमें डाल दी हूँ। अब इन सबको अच्छी तरीके से एक बार और मिक्स कर लीजिए, क्योंकि मटन शोरबा है इसलिए जो हमारी ग्रेवी है वो थोड़ी पतली ही रहेगी, ज़्यादा थिक नहीं रहेगी। और इसके साथ में मैं इसमें डाल देती हूँ दो हरी मिर्चें। अब एक बार इसे हम जोश में आने देते हैं, इसका अच्छे से खौल जाने देते हैं, फिर मैं इसे प्रेशर कुकर लगा दूँगी। तो यहाँ देखिए अब मैं इसे प्रेशर कुकर लगा देती हूँ। मुझे इसे कम से कम 4 सीटी तक के लिए, या जब तक हमारा मटन है वो अच्छे तरीके से गल ना जाए तब तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसे 4 सीटी दे देती हूँ। पहली सीटी आपको हाई फ्लेम में रखना है, बाकी की 3 सीटी आपको लो फ्लेम में इसे पकाना है। तो यहाँ पे 4 सीटियाँ हो चुकी है, अब मैं इसे खोल लेती हूँ। इसका प्रेशर निकल चुका है पूरा। एक बार मैं पहले से चेक कर लूँगी कि हमारा जो मटन है वो गल गया है या नहीं गला है। अगर गल गया है तो ठीक है, और अगर नहीं गला है तो आप इसे 1 या 1.5 प्रेशर सीटी और लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए जो हमारा मटन है वो बिल्कुल गल चुका है। तो फिर मैं इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट तक के लिए और कुक करूँगी, और साथ में इसे धनिया की पत्ती भी डाल दूँगी, गरम मसाला पाउडर भी डाल दूँगी, और 1 नींबू का रस या 2 बड़े चम्मच नींबू का रस भी इसमें डाल दूँगी। एक बार और मैं इसे अच्छी तरीके से अब मिक्स कर देती हूँ। तो हमारा मटन शोरबा अब अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। तो इसे गर्मा गर्म रोटियों के साथ में आप सर्व करिए, सर्दियों के मौसम में काफ़ी अच्छा लगता है इसे खाने में। तो नाज़रीन मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।